नमस्कार दोस्तों, आप सभी फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम देखेंगे कि HP 1005 प्रिंटर का जो पावर सप्लाई से कौन कौन से सप्लाई आउट होता है और किसके लिए होता है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कंटिन्यू वीडियो को लास्ट तक देखिए। और इस वीडियो से आपको ये फायदा होगा कि आप पावर सप्लाई पे जितने आउटपुट कनेक्टर हैं वहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे सप्लाई इतना आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मे बी प्रॉब्लम किसका है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किसके लिए कितना वोल्ट आउट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे देखिए कि ये जो सेंसर है, ये सबसे ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हम देखेंगे कि ये इनपुट है, यहाँ पे 220 वोल्ट आपका इन होता है, 220 वोल्ट एसी आपका इन होगा। ठीक है, यहाँ पे इन होगा, ये आपका हो गया पावर स्विच। ठीक है, यहाँ पे पावर स्विच, जैसे ही स्विच आप ऑन करेंगे आपका सप्लाई आउटपुट देना चालू कर देगा। ठीक है, अगर ओके है तो आउटपुट देना चालू कर देगा। उसके बाद देखेंगे कि किसके लिए कितना सप्लाई बनेगा। तो यहाँ पे देखिए कि ये है आपका पेपर सेंसर, पेपर डिलीवरी सेंसर। ठीक है, पेपर विथ सेंसर टॉप टॉप ऑफ द पेज। ठीक है, मतलब सबसे ऊपर वाला जो पेज होता है उसके सेंसर के लिए। ठीक है, तो ये उसके सेंसर के लिए है। तो एक एक करके हम इसको देखेंगे कि कौन सा सप्लाई कहाँ पे जाएगा, किसके लिए जाएगा। तो ये हो गया आपका सेंसर का, इसमें कितना सप्लाई बन रहा है, सेंसर को चाहिए, अगर सेंसर को ऑपरेट करने के लिए 3.3 वोल्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये सेंसर आउट पिन हो गया जो आपके सिस्टम को आगे जाके इन्फॉर्म करता है, और ये ग्राउंड हो गया। वैसे ही इसमें अगर दो सेंसर हैं, अब देख रहे हैं कि इसमें दो सेंसर लगे हुए हैं। ठीक है, इनका नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, टॉप ऑफ द पेज सेंसर, पेपर विथ सेंसर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि फिर यहाँ पे इस सेंसर को ऑपरेट होने के लिए 3.3 वोल्ट, ये दो डाटा हो गया, ये दोनों सेंस करके आपको आउटपुट आपको जो भी है फॉर्मेटर कार्ड को या फिर इंजन कंट्रोलर को इन्फॉर्म करेगा, फिर वहाँ से वो आपके फॉर्मेटर कार्ड को इन्फॉर्म करेगा। तो ये दोनों पे सप्लाई आप समझ गए कि एक नंबर पिन पे 3.3 वोल्ट बनना चाहिए और इस पे भी एक नंबर पे 3.3 वोल्ट बनना चाहिए, मतलब सेंसर जहाँ पे भी है उसको ऑपरेट होने के लिए 3.3 वोल्ट की जरूरत पड़ती है। इससे आपको ये आपको क्लियर पता चल गया है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं अगले सेक्शन की। तो फिर यहाँ पे देखेंगे कि साइड में एक, हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखे, ये हो गया आपका, और थोड़ा सा इसको हम आते हैं। अब देखेंगे ये हो गया फ्यूजर यूनिट। ठीक है, ये देखेंगे ये आपको हेडिंग है यहाँ पे फ्यूजर यूनिट, मतलब कि ये फ्यूजर है, और फ्यूजर में दो चीज जुड़े होते हैं। यहां से देखिए फ्यूजर यूनिट में आपको एसी वोल्ट जाता है, अगर आपके फ्यूजर यूनिट में एसी वोल्ट नहीं जाएगा तो आपका जो अंदर जो हीटर लगा होता है, फ्यूजर हीटर होता है, वो हीट ही नहीं होगा, और आपका पेपर पे जो भी डाटा प्रिंट हुआ है वो आपके पेपर पे फिक्स नहीं होगा। प्रिंट आउट होने के बाद आप हाथ से ऐसे क्लीन करेंगे, आपका डाटा क्लीन हो जाएगा, इससे यही इश्यू आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एसी वोल्ट इन करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक फ्यूज लगा हुआ है, थर्मल, इसको फ्यूज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, थर्मल फ्यूज में भी अगर ये फ्यूज खराब हो गया तो आपका हीटर क्या होगा, हीट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपका इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो आपको फ्यूज चेक करना है। फिर आगे यहाँ पे देखिए एक कनेक्टर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ से आपका हीटर कनेक्ट होता है। ठीक है, और हेवी वायर होते हैं ये, आप देखेंगे तो ये मे भी सबसे ज्यादा इशू आता है ये हीटर का। हीटर क्या होता है, गल जाता है या आपको जल जाता है या ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर से इस प्रोग पे और इस प्रोग पे, दोनों पे मल्टीमीटर से रखेंगे ना तो कुछ ना कुछ इस पे रीडिंग दिखाएगा, इसका मतलब कि आपका हीटर सही है। ठीक है, फ्यूजर हीटर सही है। थर्मल फ्यूज को भी आप मल्टीमीटर चेक करते हैं, कंटिन्यूटी पॉइंट पर रख के चेक कर लेंगे। थर्मिस्टर, थर्मिस्टर का काम क्या है, इसके हीट को कंट्रोल करने का काम थर्मिस्टर करता है। ठीक है, फ्यूजर के हीट को कंट्रोल करने का थर्मिस्टर करता है। अगर ज़्यादा हीट होगा तो क्या करेगा, ये सेंस करके आपको लॉजिक सॉरी पावर सप्लाई को बताएगा कि ये ज़्यादा हीट हो रहा है, ये क्या होगा आपका पावर सप्लाई क्या करेगा, तुरंत सप्लाई को ये आपके पावर सप्लाई को तुरंत ये क्या करेगा, सॉरी इसके पावर को जो भी पावर इसमें जा रहे होंगे ये जो भी पावर इसके अंदर जा रहे होंगे ये क्या करेगा, ये जैसे ही सेंस करके इन्फॉर्म करेगा ये क्या होगा, ऑटो कट हो जाएगा। ठीक है,
ऑटोकट, ऑटोकट होगा। जैसे ऑटोकट होगा फिर ये क्या होगा, ये सप्लाई कम हो जाएगा, फिर धीरे धीरे फिर देखेगा कि ये नॉर्मल थोड़ा सा ठंडा हो रहा है तो फिर क्या करेगा, सेंस करेगा कि नहीं नहीं इसको इतना हीट चाहिए, फिर ये इन्फॉर्म करेगा, फिर ये सप्लाई यहाँ से इनपुट मिलना चालू हो जाएगा, ये कंटिन्यू हीट रहता है। ऐसे क्या होता है कि जब आप सिस्टम प्रिंट रहना बंद कर देते हैं तो क्या करता है कि ये आपको ये थर्मिस्टर आपको सेंस करता है कि ये आप प्रिंट नहीं लेने वाले हैं, थोड़ा सा वेट, कुछ टाइमिंग होती है, उस टाइम के बाद क्या होता है कि ये क्या होता है सप्लाई देना आउटपुट बंद हो जाता है। जैसे ही आप प्रिंट वो टच करते हैं या प्रिंट देते हैं तो क्या होता है थोड़ा सा इंस्टेलाइजेशन होता है, उस टाइम ये सेंस कर लेता है कि अब आप प्रिंट लेने वाले हैं तो फिर यहाँ से सप्लाई अंदर जाने लगता है और क्या होता है कि ये थर्मिस्टर क्या होता है ये सेंस करके इन्फॉर्म करते रहता है आपके पावर सप्लाई को और ये हीट होते रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्लियर। इसके बाद देखेंगे कि आपके पावर सप्लाई से लॉजिक कार्ड के लिए यानी फॉर्मेटर कार्ड के लिए अलग सप्लाई आउट होता है, ठीक है, और कंट्रोलर के लिए सप्लाई अलग आउट होता है। इसको चेक करने के लिए आप कहाँ पे चेक कर सकते हैं, तो इसका जो कनेक्टर होता है, ये जो कनेक्टर है आपका यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो कनेक्टर है आपका लॉजिक कार्ड के लिए है, लॉजिक कार्ड, और ये हो गया आपका फॉर्मेटर, सॉरी ये हो गया आपका कंट्रोलर। ये कंट्रोलर, इंजन कंट्रोलर इसको बोलते हैं, ठीक है, ENGIN इंजन कंट्रोलर। तो इंजन कंट्रोल पे कौन कौन सा सप्लाई जाएगा और लॉजिक कार्ड पे कौन कौन सा सप्लाई जाएगा, ठीक है। तो लॉजिक कार्ड पे थोड़ा सा हम आ जाते हैं, या तो आप यहां पे इस कनेक्टर पे चेक कर सकते हैं, J502 पे चेक कर सकते हैं, या जे की कितना सप्लाई आउट होना चाहिए, तो इस पे देखेंगे कि इससे अच्छा है कि आप या तो यहां पे चेक कर लीजिए, या तो आप यहां पे चेक कर लीजिए, ठीक है, या आप डायरेक्ट यहाँ पे चेक करिए। तो जब आप यहाँ पे चेक करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कनेक्टर भी सही है कि खराब है, ठीक है। तो पिन नंबर 1 पे देखेंगे कितना वोल्ट बन रहा है, पिन नंबर 1 पे आपको बन रहा है 24 वोल्ट, ठीक है। 2 और 3 ये दोनों ग्राउंड है, ठीक है। फिर 4 नंबर पे देखेंगे ये बन रहा है 32 वोल्ट, ये 32 वोल्ट। 2 सप्लाई आपको लॉजिक कार्ड को स्पेशली चाहिए आगे ऑपरेट कराने के लिए, ठीक है। तो कौन कौन सा सप्लाई होगा, एक होगा 24 वोल्ट, दूसरा होगा 32 वोल्ट। शायद ही कोई इतना डिटेल में आपको बताया होगा, अगर बहुत सारे वीडियो देखते होंगे आप भी तो इतना डिटेल में शायद ही कोई जो होगा आपको बताया होगा कि इस तरह का इतना इस पे इतना इतना वोल्ट चेक करिए, यहाँ यहाँ पे इतना वोल्टेज बनता है, ठीक है। फिर आगे आते हैं थोड़ा सा, ये हो गया थोड़ा सा हम यहाँ पे आ गए। अब थोड़ा सा आप गौर करेंगे कि यहाँ पे भी एक कनेक्टर है J909। तो आपका मेन मोटर जो होता है, जो आपके गियर को चलाता है, गियर को ऑपरेट करता है, ठीक है, उसके लिए भी आपको यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई जब आप चेक करेंगे तो 24 वोल्ट का या 32 वोल्ट का यहाँ पे, यहाँ से जो सप्लाई आपको यहाँ पे मोटर के आसपास मिलेगा या तो 24 वोल्ट या 32 वोल्ट, ये 24 वोल्ट या 32 वोल्ट की सप्लाई आपको मेन मोटर पे आपको सप्लाई यहाँ पे मिलेगा। मे भी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर किसी ना किसी भी आप चेक करेंगे तो ये सप्लाई आपको मेन मोटर को मिल जाएगा, मोटर को ऑपरेट करने के लिए आता है, ठीक है। उसके अलावा जब बात करेंगे, इसके लिए जब बात करेंगे कि जो इंजन कंट्रोलर पे कितना कितना वोल्ट जाता है, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सबसे ऊपर वाले पिन पे 5 वोल्ट जाएगा, फिर आपका 24 वोल्ट जाएगा, फिर 24 वोल्ट जाएगा, फिर आपका 24 वोल्ट जाएगा, फिर उसके बाद मतलब ए लास्ट से, क्योंकि टोटल आपको 29 पिन होता है, तो 5 वोल्ट 24 वोल्ट 24, अगर एक नंबर के छोड़ के अगर रिवर्स में आप चेक करेंगे, ठीक है, तो आपको 5 वोल्ट 24 वोल्ट 24 वोल्ट, उसके बाद आपका ग्राउंड, मतलब कि एक पिन 5 वोल्ट वाला है, उसके बाद आपका 3 पिन 24 पिन का है, मतलब 24 वोल्ट। तो देखेंगे
कि ये आपका हो गया आपका 5 वोल्ट, ठीक है, ये तीन हो गया आपका 24 वोल्ट वाला पिन, ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मतलब कि 20 21 22 23 24 25, ये ग्राउंड वाली पिन होती है, इस पर कुछ नहीं बनेगा, ठीक है, जी एन डी ग्राउंड वाली पिन होती है। फिर देखेंगे 17 नंबर 18 नंबर 19 नंबर, ये जो तीन होता है आपका 3.3 वोल्ट का होता है, ठीक है, ये होगा 3.3 वोल्ट, ये आपको इंजन कंट्रोलर के लिए जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएंगे तो यहाँ पे देखिए कि बहुत सारे डाटा सिग्नल ग्राउंड वगैरह है, फिर यहाँ पे 8 नंबर पिन भी आपका है 3.3 वोल्ट, ठीक है, 3.3 वोल्ट। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ से एक देखिए रिले, ठीक है, ये रिले के लिए सप्लाई बनता है, जो क्लच लगा होता है ना आपके प्रिंटर में, उसके लिए यहाँ से कंट्रोलिंग होता है। तो मे भी अगर आपका क्लच काम नहीं कर रहा है, आप नया लगा के चेक कर लिए हैं, तो इसके 4 नंबर पिन पे चेक करिए कि रिले के लिए डाटा बन रहा है कि नहीं, या डाटा के रूप में कुछ वोल्ट दिखाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका बन रहा है कि नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है तो मे भी आपका प्रॉब्लम इधर का है, RELLAY, ठीक है, ये रिले हो गया। इसके बाद बात करें तो ये तो रिले का हो गया, 3.3 हो गया, ठीक है, 5 वोल्ट हो गया और ग्राउंड भी हो गया। अब बात करते हैं आपका रिले हो गया, यहां से देखेंगे ये और ये तीनों जो फर्स्ट में हमने जो आपको सेंसर आइडेंटिफाई कराया था उन्हीं का डाटा आ रहा है, ठीक है, SENSOR सेंसर, इसी वो जो अपने फर्स्ट में हम आपको जो डाटा आपको दिखाए थे, अभी दिखा देते हैं एक बार फिर से कि ये जो डाटा आपका हम सेंसर आपको इन्फॉर्म कराए थे उसी का ये आपको यहाँ पे ये जो सेंसर है ना इसी का आउटपुट पिन, मतलब यहाँ से सेंस करके वहाँ पे आउटपुट दे रहा है, ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पे आपको दिखा रहे थे, ये तीन, ये जो तीन है आपके ये तीनों आपका उसी का है। फिर आपका 8 नंबर जो है बताए थे तीन है, 9 नंबर पिन आपका ग्राउंड है, फिर आपका ये डाटा वाला है तीन, ठीक है, ठीक है, उसके बाद फिर आपका AVDAVC AC वोल्ट यहाँ पे भी आपको सप्लाई, इसमें में भी आपका आपका डाटा वाला भी ये आपका पिन है, ठीक है, फिर ये है PRPWM और PWSTDN, ठीक है, पावर स्टैंड बाई वोल्ट है आपका, ये पावर विद मॉड्यूलेशन आपका एक पिन है, जो आपका सप्लाई सीक्वेंस जो भी आपका सप्लाई बनता है सीक्वेंस बाई सीक्वेंस कैसे आगे बढ़ता है और कैसे, तो वो सारा सेंस करता है, ठीक है, तो ये आपका लगभग नॉर्मल सारे चीज हो गए हैं। उसके बाद आते हैं कि ये और आगे क्या क्या आउट करेगा, तो इनपुट हो गया इस पे, फिर आएंगे यहाँ पे, अभी जो हम आपको इन्फॉर्म करा रहे थे कि मोटर के लिए 24 वोल्ट या 32 वोल्ट की सप्लाई बनेगा, तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे मोटर है और देखिए यहाँ पे सेंसर मोटर है, ठीक है, इसके लिए भी देखिए यहाँ पे 24 वोल्ट की सप्लाई जा रहा है, ठीक है, ये डाटा इन और डाटा आउट के लिए है, ठीक है, जो भी सॉरी सेंसर नहीं है, स्कैनर मोटर, ओ सॉरी आई एम सॉरी, स्कैनर मोटर, ठीक है, स्कैनर मोटर के लिए आपको जा रहा है 24 वोल्ट और ये डाटा इन डाटा आउट और ये आपका हो गया ग्राउंड, ठीक है, तो इसमें भी आपको कितना बनेगा 24 वोल्ट की सप्लाई बनना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे लेजर ड्राइवर PCA, ठीक है, और BD सेंसर, ये जो यहाँ पे सप्लाई होता है यहाँ पे कौन कौन सा सप्लाई किस किस किसके लिए होता है, तो थोड़ा सा और हम क्या करते हैं कि इसको डाउन करते हैं, ठीक है, ये आपका कनेक्टर यहाँ पे आ गया और थोड़ा सा, ठीक है, लेजर स्कैनर यूनिट, ठीक है, लेजर का जो भी लेजर यूनिट होता है उसके लिए जो सप्लाई जाता है, ठीक है, उससे भी अलग से एक कनेक्टर लगा होता है उसके लिए, देखिए मोटर के लिए अलग सप्लाई जाता है और कनेक्टर जो भी डाटा वगैरह जो प्रिंट होता है जो आपके जो भी कमांड देते हैं तो लेजर के थ्रू जो आउट होता है उसके लिए अलग जाता है, तो उस पर देखेंगे, तो अगर एक नंबर पिन की बात करें तो ये आपका डाटा इन हो रहा है 5 वोल्ट इस पे जा रहा है, ठीक है, उसके बाद ये ग्राउंड है, एक
ए भी डाटा है, ए भी डाटा है, फिर आपका ये ग्राउंड हो गया, ये आपका हो गया डाटा आउट हो गया, ये डाटा आउट हो गया, और फिर आपका ये ग्राउंड हो गया, ठीक है। तो इसमें सब आपको पता चल गया, BDI मतलब ये इनपुट हो गया, सप्लाई इन हो रहा है और ये आउट हो रहा है, मतलब कम्युनिकेट कर रहा है, क्योंकि उसके आप जब देखेंगे कि जब आपका लेजर यूनिट जब आप निकालेंगे ना, तो उसमें साइड में देखेंगे कि PCB होता है, तो वो क्या होता है कि वो कम्युनिकेट करता है, कुछ डाटा को लेता है, फिर वो इन्फॉर्म भी करता है। तो ये जो डाटा निकलता है ये चल जाता है आपको इंजन कंट्रोलर पे जाता है, और फिर आपको यह आगे बढ़ता है और आपको जाएगा कहाँ, लॉजिक कार्ड को जाएगा। आइए उस पर भी देखते हैं लॉजिक कार्ड का भी, तो हम आ जाएंगे ये लॉजिक कार्ड पे। अब देखिए, अब जो सप्लाई जाएगा लॉजिक कार्ड पे वो कौन कौन सा सप्लाई जाएगा, क्योंकि वहां से तो अलग अलग सप्लाई आ रहे हैं। अब यहां पे देखें कि अलग अलग सप्लाई जा रहा है, जैसे कि एक नंबर पे 24 वोल्ट ये इसके CPU के लिए डाटा जा रहा है, फिर 5 वोल्ट की सप्लाई, ठीक है, ये ग्राउंड हो गया, ग्राउंड हो गया, ग्राउंड हो गया, ग्राउंड हो गया, ठीक है। फिर आपका ये 3 वोल्ट सप्लाई जा रहा है, फिर उसके बाद ये रीसेट सिग्नल बनेगा, इस पर क्लॉक बनेगा, ठीक है। ये सेंसर वाला पिन है SC, ये डाटा वाला हो गया, फिर ये आपका ग्राउंड हो गया, ये वर्चुअल डाटा आउटपुट हो गया, ये भी डाटा आपका आउट हो गया, और यह हो गया आपका ग्राउंड हो गया, ठीक है। ये सारा सप्लाई जो है डाटा है, सिग्नल है, CPU के लिए है, ये वोल्टेज आपको यहाँ पे जाएगा। तो मे भी अगर आपका लग रहा है कि डाउट है, ठीक है, अगर आपका पावर सप्लाई आपको लग रहा है कि नहीं हमारा पावर सप्लाई ओके है, तो जो आपका कंट्रोलर का जो आउटपुट वाला कनेक्टर पिन है उस पर आप, उस पर क्या करिए, एक नंबर पे 24 वोल्ट चेक कर लीजिए, 5 वोल्ट चेक कर लीजिए, 3 वोल्ट चेक कर लीजिए, रीसेट सिग्नल चेक कर लीजिए, क्लॉक सिग्नल चेक कर लीजिए, डाटा चेक कर लीजिए, ठीक है। इतना अगर चेक कर लेंगे तो मे बी आपका इंजन कंट्रोलर भी 100% ओके होगा, ठीक है। 100% नहीं पर 90% इसको बोल सकते हैं कि इतना अगर आपको बन रहा है तो मे बी आपका इंजन कंट्रोलर ओके है। अगर नहीं बन रहा है तो इस पे लगे आपको 2-3 IC लगे होते हैं, मे बी उनका फॉल्टिंग हो सकता है, इशू हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा एक और चीज़ कवर करेंगे, उसके बाद हम इसको ख़त्म करेंगे। तो अब इसके बाद हम आपको यहाँ पे देखेंगे कि पिकअप सॉइल नेट, यही होता है आपका जो कनेक्टर होता है, अभी हम जो रिले की बात कर रहे थे, ठीक है। तो रिले क्या होता है कि ये यहाँ से कनेक्ट होता है, इसके लिए अलग से कनेक्टर लगा होता है जिसको रिले सेंस करता है। तो ये रिले का ये रिले ही है जैसे, ठीक है, पिकअप। अगर आपका रिले खराब हो गया तो आपका पेपर को पिक नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये क्या क्या होता है, यहाँ पे 24 वोल्ट की सप्लाई बनेगी, ठीक है। तो पहले अगर आपका पेपर पिक नहीं कर रहा है या फिर आपका रिले काम नहीं कर रहा है, सबसे पहला काम है 24 वोल्ट को चेक करिए। 24 वोल्ट को चेक करेंगे, उसके बाद ये हो गया CPU, ठीक है, CPU डाटा। ये क्या करता है, जैसे ही क्लच ये काम करता है, ये डाटा आउट होता है और सीधे CPU को इन्फॉर्म करता है कि हाँ ये आपका प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। ये CPU डी मतलब कि CPU डाटा आउट हो रहा है और इन्फॉर्म कर रहा है किसको, CPU को, ठीक है। इसके बाद अगले वीडियो में हम ये चीज़ कवर करेंगे कि ये सप्लाई जो है आपका कि कंट्रोल पैनल पे कितना सप्लाई बनता है, और स्कैनर पे जो आपका फोटोकॉपी स्कैनर होता है उस पे कितना सप्लाई बनता है, तो ये चीज़ हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।